जो शिक्षित रहेंगे आज भी जी, जो शिक्षित हैं उनको बैंड ही पसंद आएगा, चाहे वो 10 लोग का ग्रुप हो, चाहे 20 लोग का ग्रुप हो, चाहे 50 लोग का ग्रुप जी। आने गाने जैसे मैं आपको बजा के बताता हूँ जी, जी। जिसके आज भी अपन सुनेंगे तो आज नया ही लगेगा वो। पहले गाना आते थे जी, पुराने गाने शादी की साफ पे गाना बजते थे, आज मेरे की यार शादी है, विदाई हो रही थी, बाबलू की दुआएं लेते हैं। आजकल ऐसा कुछ नहीं आता, सिर्फ हल्ला, कुछ समझ में नहीं आता गाना है कि क्या है, बस चिल्लाने वाला काम होता है बस। एक बाद में हमारे जैसे आने वाला पीढ़ी है एला आप मन दूसरा कार्य में भेजू कि यही कार्य ला करन दू मन। तो सुनील भी आप ये बताओ कि कभी ऐसे घटना भी हो कि पेमेंट ला भी बाद में मिली या फिर काली दी में परन दिन दे वो। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी सम प्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्व कार्य सु सर्वदा। तो ऐसे मत सोचो मैं शादी वादी कोनो जगह करवात हूँ मैं, तो अभी आप मतलब बता दो संगवारियों कि कोनो भी शुभ हो, लगन होए, चाहे कोई भी शुभ मुहूर्त होए, चाहे कोनो भी त्यौहार होए, बिना बैंड पार्टी के वो चीज़ है संभव नहीं होवे। आप मन तो जानते हो कि अभी दे उठनी तिहार ला भी मनाबो तो देव हो उठ जी, और बाद में शादी ब्याह के जो लगन है तैयारी हो चालू हो जही, तो उमें बैंड पार्टी के बहुत ज़्यादा क्रेज रही थे। तो ऐसे न हमन आप मन के बीच में दो हमार बैंड पार्टी के संचालक मन हमार बीच में आज मौजूद है, बहुत बढ़िया गोट बात करबो भैया मन साग में। आपके पहले नाम लग बताऊँ। जय जोहार भैया, राकेश खेमे मेरा नाम है, मैं न्यू राष्ट्रीय बैंड पार्टी संचालक करता हूँ। जी भाई हैं हम लोग, राकेश केमे, छोटा भाई अनिल केमे और छोटा भाई प्रमोद केमे, तीनों भाई संचालन करते हैं। जी जी, आपके नाम ला। जय जोहार सर, मोर नाम अनिल कुमार केमे है, मैं राजनीय राष्ट्रीय बैंड के संचालन, मैं बड़े भैया छोटे वाले भाई। जी जी जी। अच्छा मोर पहली सवाल रही राकेश भैया संग में कि आजकल हमन देखते हैं राकेश भैया कि बैंड पार्टी के थोड़ा क्रेज कम हो गए धुमाल के आय से, ऐसे में आप मन के व्यवसाय में कैसे प्रभाव देखे मिला थे? बहुत प्रभाव पड़ा है मैं धुमाल से आने से, हम लोगों का बैंड का काम ही थोड़ा कम हो गया है पहले से, तो लोग को हल्ला चाहिए, सुनने वाले कम हो गए हैं बैंड का, सुरीले जो सुनते थे वो कम हो गए हैं आजकल, तो वही है वो प्रभाव पड़ा धुमाल डी से आने से। जी जी। अच्छा जी अनिल भी आपके का विचार है? जो शिक्षित रहेंगे आज भी जी, जो शिक्षित हैं उनको बैंड ही पसंद आएगा, चाहे वो 10 लोग का ग्रुप हो, चाहे 20 लोग का ग्रुप हो, चाहे 50 लोग का ग्रुप हो। जी जी। संगीत जिसको समझ नहीं है वो धमाली करेगा, जिसको थोड़ी बहुत संगीत की समझ है और जिनको लगती है बारात निकल रही है तो एक पढ़े लिखे लोग की बारात निकल रही है तो वो बैंड ही करेगा। अच्छा जी। अनिल भैया ये सवाल आपसे री मोर जी कि पहली के जो गाना मन जन सुनन वो मधुरता रहा है, हाँ। आज के गाना में वो जो मधुरता है वो कम सुने मिलती है मल्ला, और आजकल के जो गाना एकदम तड़क भड़क बजा थे, मैं क्या बोलना चाहूँगा आप? अब देखो पहले के जो गाने बने थे जी वो आज तक सुनेंगे तो कर्णप्रिय लगेगा जी, और अभी के जितने भी गाने बन रहे हैं वो एक हफ्ता 10 दिन 12 दिन 15 दिन सिर्फ चलते हैं, उसके बाद लोग उस गाने को भूल जाते हैं, फिर नए गाने की तलाश में आ जाते हैं। जी जी। अब पुराने गाने जैसे मैं आपको बजा के बताता हूँ जी जी, जिसके आज भी अपन सुनेंगे तो आज नया ही लगेगा वो। प्रत्येक एकदम सुघर आनंद आ गए जी आपके। जैसे ये गाना गुलाबी आंखें जो, हाँ। जो तेरी देखी, इस गाने को ही कम से कम 40 से 45 साल हो गए, लेकिन आज भी इस गाने को सुनेंगे अपन तो लगेगा कि अभी कुछ महीने पहले का गाना है। अब जैसे सिर्फ 15 से 20 दिन के लिए गाने बनते हैं, वो जो साल दो साल के लिए गाने उस टाइप के गाने अभी बन ही नहीं रहे, और हमको भी बजाने में इंटरेस्ट नहीं आता। जी जी। अब क्यों, जो पहले गाने जो बने थे उसको प्रैक्टिस करने में भी टाइम लगता था हमको, और अभी के जो गाने हैं उसको प्रैक्टिस करने की इच्छा नहीं होती है। राकेश भी आपके क्या विचार है? जो पहले गाना आते थे जी, पुराने गाने शादी की साफ पे गाना बजते थे, आज मेरे की यार शादी है, विदाई हो रही थी, बाबलू की दुआएं लेते हैं, आजकल ऐसा कुछ नहीं आता, सिर्फ हल्ला, कुछ समझ में नहीं आता गाना है कि क्या है, बस चिल्लाने वाला काम होता है बस। Thank you.
तेरी रब ने बना दी जोड़ी, तेरी रब ने, ओ तेरी रब ने बना दी जोड़ी, ओ रंग बहती रंग बहती, ओ रंग बहती रे रंग बहती। तो ऐसे सब ना बढ़िया बढ़िया हिट हिट गाना मतलब आप मन ना बैंड पार्टी के जो समय है तेन मन में आप मन बहुत बढ़िया मया दुलार दे हो। अगला हमार जो बैंड पार्टी के जो संचालक है मारुति राव जी के संग में आज हमन बैठे हैं, तो अगर संग में बहुत बढ़िया सुगर गुड बात करबो अमर बैंड पार्टी के नाम से भैया के जो पार्टी है तो वो चल। भैया आपके बहुत बहुत जय जोहार। जय जोहार। बोलो अभी आप ये बताओ कि अपना आप के साल से जो लाइन में जुड़े हवा। मैं तो मोर ये धंधा तो पुरखा मन की से, लेकिन मैं हाँ ये धंधा में 1970 से स्कूल ला छोड़ो तब से जुड़े लाइन में। काफी अच्छा लंबा समय आपके पास तो बहुत अनुभव होगी। तो हमन कलाकारी रहे ना, हमर पूरे बाप दादा पुरखा हम कलाकारी थे हमर मन के, तब से हमन जुड़े रहे धंधा में। जी जी जी। हाँ तब चलते जाते, जब हमन कहा जानन क्या जाने के मन धुमाल उमाल या डीजे आ जाए तो हमर मन के धंधा में सत्यानाशी हो जाये, तब ऐसे प्रॉब्लम आ गई हमन ला जियन खान में प्रॉब्लम हुआ थे ऐसे। हाँ। आप मन जो गाना के अत्य बढ़िया सुगर प्रस्तुति लेते हो हमारे जनता मन के सामने में, एक गाना आप मन रियाज करे में कितना समय लग जाती है। पहले के जमाने में हमन कम से कम एक गाना रियाज करे पर 2 दिन 3 दिन 4 दिन लगत रहा है, काबर की पहले गाना पब्लिक सुनत रहा है, अब वो गाना सुने नहीं, अब तो क्रेजी किया रे फ्रेजी किया रे ऐसा गाना आगे ढिकचिक ढिकचिक बजते तान ले भाई खत्म हो गए काम, अब का बोल बोला ये काम है वो कुछ नहीं है। अच्छा ये सब पहले के बात अलग ही रही से, तब हमू मन ला मजा आती से हमन भरतिया मन के संग में हमू मन नाचते थे वो टाइम में, तब बहुत मजा आया मन के पास कितना आदमी सेटअप है और पहली कितना आदमी मन के सेटअप रहाई। पहली हमारे यहाँ 70 से 80 आदमी सेटअप रही, कम से कम 7 से 8 पार्टी निकल रही थे 11-15 के, अब हमन एक पार्टी बड़ा मुश्किल से निकालते हैं, काबर की पहले हमन 4-4, 5-5, 6-6 कमरा लेवत रहे धर्मशाला लेवत रहन ओमन के ठहरे पर खाना पीना खवाए पर, लेकिन अब ऐसे हो गए कि हमन अतिक आदमी ला करबो का, हमारे तो प्रॉपर्टी पूरा कोरोना काल में बिक गए, अब हमारे प्रॉपर्टी बिक गए तो हम कहाँ लान, अभी मुश्किल से हमन 6-7 आदमी महाराष्ट्र आतन महाराष्ट्र रहे और बाकी यहाँ के रहते तो 1-2 पार्टी बड़े मुश्किल से चलावा था दाऊ जी, हम लोग का बता हम लोग का परेशानी हो कैसे, तो एक बारे हम कोई नहीं बोल सके हम ऐसे का होगा दाऊ जी। आप मारे जो कार्यला अभी पुस्तौनी के तरीके से करत हो पुरखौती चलाता आते, तो एक बाद में हमारे जैसे आने वाला पीढ़ी है एला आप मन दूसरा कार्य में भेजू कि यही कार्यला करन दू मल्ला। अभी तक तो हमन सोचत रहे कि हो सकत है हमार पुस्तैनी कार्य हमार पुरखा मन के कामला करबो हमन जी, लेकिन अब नहीं लगाते कि हमार लइका मन या हमार रिश्तेदार मन ये ला करी या हमार कलाकार मन करी, काबर की मतलब यहाँ कोई चांस दिखत नहीं है जी, अब चांस दिखत नहीं मतलब मामला खत्म है, एक बाद में अब आगे भगवान जाने ओकर काम जाने। उपस्थित हो आओ आप मन से नवा बैंड पार्टी वाले भैया मन साथ भेंट करवा दो भारत ब्रास बैंड, और बीच में सुनील भैया अभी मौजूद है। जय जोहार भैया। जय जोहार। सुनील भैया आप ये बताओ कि कभी ऐसे घटना भी हो कि पेमेंट ला भी बाद में मिली या फिर काली देवी परम दिन देवो फिर पेमेंट ला लेकर के कुछ घटना आप मन साथ होते हैं नफा नुकसान तो होते भैया कभी होते ही है, हमारे ऊपर आदमियों को लेके चलते हैं मन है ना, ऊपर मिलजुल के हम लोग काम करते हैं तो सबको हमको देखना पड़ता है सबको देना पड़ता है पेमेंट करना पड़ता है ना जी, होता ही है नफा नुकसान तो चलते ही रहता है पार्टी में होते रहता है। इसलिए भी आप ये बताऊँ कि आपके जो जीविका हरे ये पूरा एकरे से चलते है कि एक संग में और कार्य अंजाम देवत हो। यही बैंड पार्टी हमारा कार्य हमारा बैंड पार्टी इसी में हमारा जीवन हमारा जीवन चल रहा है, हमारे बाप दादा करते आ रहे हैं। हाँ लेकिन ये तो देखा जाए तो सीजन के तौर पर चलते हैं बस, सीजन रहते हैं बस, सीजन 4 महीने 4 महीने सीजन रहते हैं बस। हाँ तो 4 महीना में होते ठंडा हो गया सीजन काम हो गया तो हमारे कुछ हमारे काम हम करते ना मन ऐसे पेट ला तो चलाना गलत चलाना ही है मन ला है नी, तो कुछ हम काम करते रहते ना मन ऐसे है जी। अच्छा।